हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस मार्बल केक। और इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी बटर। बटर हम यहाँ 100 ग्राम ले रहे हैं। बटर को बहुत अच्छे से बीट करना है जब तक ये लाइट पेल इन कलर ना हो जाए। और पाउडर शुगर हम यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटा कप। मिलाएंगे कंडेंस मिल्क एक छोटा कप। अब इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखने में बिल्कुल सिल्क की तरह बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हो जाता है। अब हम यहाँ ले रहे हैं एक बड़ा कप मैदा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट, और इन्हें हम अच्छे से छान लेंगे। अब छाने हुए मैदे को हम बटर में डालेंगे। एक ही बार में हमें नहीं डालना है, हमें इसे 3 बैचेस में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ हमने वो मैदा डाल लिया है और साथ ही हम दूध डाल रहे हैं। दूध हमने 1 कप लिया है, पर वो भी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चाहे हम केक कोई भी बनाएं, हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हम इनमें इस्तेमाल करते हैं वो सभी नॉर्मल टेम्परेचर में होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ थोड़ी सी ठंडी है और कोई नॉर्मल। हमें सभी चीज़ों को एक जैसे टेम्परेचर में ही यूज़ करना चाहिए। ये केक बनाना इतना आसान है कि आप कभी भी बनाकर इसे घर पर खाने के लिए रख सकते हो। यहाँ केक के लिए बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, इसीलिए अगर आपको लगे तो थोड़ा सा दूध और मिला लें। और लास्ट में हम यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब तैयार किए हुए बैटर को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे और एक हिस्से में हम 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे। तो ये केक हम बनाएंगे माइक्रोवेव में, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के कंटेनर की। तो कंटेनर में हम चारों तरफ अंदर की साइड में बटर लगा लेंगे और पार्चमेंट पेपर को इसके साइज़ का कट कर लेंगे। और अब पेपर को अंदर सेट करने से पहले हम थोड़ा सा बटर अंदर लगा लेंगे ताकि पेपर इधर उधर खिसक ना जाए। और अब हमने जो दोनों बैटर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके रखा था, हमें बारी बारी से डालना है। पहले हमने व्हाइट वाला डाल लिया और उसके बाद जिसमें हमने कोको पाउडर ऐड करके रखा था वो डाला। फिर हम व्हाइट वाला डालेंगे, उसके ऊपर फिर से डालेंगे चॉकलेट कलर का जो कोको पाउडर डाल के हमने बनाया वो। इसी तरह से हम बारी बारी डालते रहेंगे जब तक बैटर पूरा ख़त्म ना हो जाए, और अच्छे से टैप कर लेंगे। और अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो टूथपिक की हेल्प से आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई और डिज़ाइन है तो आप वैसा डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हो। तो सारी तैयारी होने के बाद हम अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए और फिर कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री में 30 मिनट के लिए केक के बैटर को सेट कर देंगे। 30 मिनट के बाद हम देखेंगे टूथपिक इंसर्ट करके केक में अगर क्लीन बाहर आ जाती है, दैट मीन्स आपका केक बिल्कुल रेडी है। ठंडा होने के बाद हम उसे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और पार्चमेंट पेपर अलग कर देंगे। तो बिल्कुल तैयार हो गया है आपका केक, ठंडा भी हो गया है, खाने के लिए रेडी है। अब हम इसे कट करके देखते हैं कि अंदर से कैसा लग रहा है। देखिए, बहुत अच्छे से कट हो गया, बहुत ही सॉफ्ट बना है आपका ये केक। तो बस अगर आप चाहें तो केक को आइसिंग भी कर सकते हो। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि हमने केक को किस तरह से क्रीम लगाकर सजाना है। फ्रेंड्स, एगलेस मार्बल केक बनाने की ये रेसिपी अगर आपको इजी, सिंपल और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।